नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। मैं हूँ कृतिका। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भारतीय नमो संघ संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों पर प्राण घातक हमला किए जाने तथा चीनी वस्तुओं सामग्री के विरोध में भारतीय नमो संघ संगठन द्वारा जय स्तंभ शहीद आजम भगत सिंह प्रतिमा स्थल पर कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए जवानों को शोक संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उसके बाद चीनी वस्तुओं का और चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भारतीय नमो संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता मुकेश दीक्षित ने कहा कि भारत चीन सीमा लद्दाख गलवान घाटी में देश की सुरक्षा हेतु जिस प्रकार वीरता का परिचय देते हुए मां भारती के लाडले सपूतों ने अपने आप को राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया, ऐसे परमवीर अमर बलिदानियों को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने कहा, चीन के छल कपट पूर्वक भारतीय जवानों पर प्राण घातक हमला किया और उनको भी हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व में पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और देश को अखंड भारत निर्माण की ओर ले जाने के लिए धारा 370 और 35A का खात्मा किया गया था और जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय वीर सैनिकों ने पाकिस्तान और उसके आतंकवादी आकाओं के मुँह पर कड़ा तमाचा मारा था और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। लेकिन अब चीन भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों को दिखा दिया है कि हम उस भारत के बेटे हैं, हम एक एक भारतीय सैनिक 10-10 दुश्मन सैनिकों पर भारी हैं। इस अवसर पर नमो संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेंद्र शर्मा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक इमरान अली खान, संभागीय महामंत्री मनोज जैन, जिला अध्यक्ष फरमान हुसैन, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष मीना देवी, महामंत्री हृदेश सोनी, समाजसेवी एडवोकेट महेश मिश्रा, भाजपा नेता गौसेवक कौशलेंद्र सिंह राजावत, रमेश चंद्र दुबे, प्रभाष जैन, नमो संघ संभागीय मीडिया प्रभारी आशीष श्रीवास्तव, रहीश खान, जितेंद्र भदौरिया, दीपक तिवारी इंदुरखी, हरी राजावत, दिलीप यादव, शिवम दुबे, आशुतोष शर्मा एंड रहीश खान, मुन्ना खान, अनिल शर्मा सहित कई नमो संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामग्री का बहिष्कार कर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया एवं शहीद सैनिकों को नम आंखों से अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट।